अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं 17 जनवरी 2021 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। जी हाँ, जैसे कि स्क्रीन में अभी आप देखेंगे कि क्या इंडेक्स 60,000 तक चला जाएगा, जो कि अभी तक 46,000 पे पहुंचा हुआ है। KSE 100 इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि 46,000 पे पहुंचा हुआ है। क्या ये 60,000 तक जाएगा या नहीं इस 2021 के एंड तक, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जाएगा ज़रूर, लेकिन 4 से 5 हज़ार पॉइंट की मंदी आने वाली है अनकरीब अगले 2 महीनों में, फरवरी और मार्च अप्रैल तक यही सूरत हाल रहेगी। और उसके बाद इन 2 से 3 महीने में महीनों में आपको अच्छे अच्छे शेयर सेलेक्ट करने चाहिए, यानी जो चुनाव जो होता है ना, चुनाव अच्छे शेयर्स चुनने का जो तरीका सीख जाता है, वही इस मार्केट में पैसे कमाता है, वही कामयाब है। जो चुनाव है वो आपकी अपनी काबिलियत पे होता है। इंडेक्स 60,000 पे चला भी जाए और आप कोई थर्ड क्लास किस्म का स्टॉक लेके बैठे हुए हैं जो कि चल ही नहीं पाया मार्केट के भाव के साथ, तो क्या फ़ायदा आपको इसका कि इंडेक्स 60,000 पे चला गया है, ठीक है ना। और अगर 100 इंडेक्स 5 से 6 हज़ार पॉइंट डाउन भी चला जाए और आप कोई अच्छा अच्छा स्टॉक चुन लेते हैं, तो आप इसमें फ़ायदे में रहते हैं। अच्छा, बाकी रहेगी बात शॉर्ट सेल की। शॉर्ट सेल की तो अभी आप सोचें भी ना, क्योंकि मार्केट आपको मौका ही नहीं देगी माल काटने का। जैसे ही आप शॉर्ट सेल करेंगे वो ओपन और निकल जाएगा और आप एक बार फिर से नुकसान में चले जाएंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनकी ऊपर जाने की संभावना है। तो 5 से 6 स्टॉक मैं नाम बताऊंगा, वो जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ लम्हों कुछ महीनों के लिए उसमें करेक्शन भी आ सकती है। अच्छा, जैसे AGL है, बैंक ऑफ पंजाब है, हस्कोल पेट्रोलियम, ANL है, ICIBL है और WTL है। ये जो 5 6 स्टॉक हैं इनमें इस साल के एंड तक काफ़ी तेज़ी के इम्कान हैं, इसको अपने पोर्टफोलियो में आप ज़रूर शामिल कीजिए, ख़ास तौर पे बैंक ऑफ पंजाब और हस्कोल को। हस्कोल अभी 2 से 3 महीने तो नहीं चलेगा, मगर ये जब भी स्पीड पकड़ता है ये बैंक ऑफ पंजाब और हस्कोल, तो कुछ ही दिनों में आपको माला माल कर देते हैं। यानी आज की डेट में बैंक ऑफ पंजाब 9 रुपये पे है, 9 साढ़े 9 के करीब, और हस्कोल है ऑलमोस्ट 15 पे। तो अभी आप इनको अगर बाई कर देते हैं तो ये इस साल के एंड तक आपको अच्छा खासा अर्निंग दे सकते हैं, डबल से भी ज़्यादा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बराबर परफॉर्म करने वाले शेयर्स हैं, चलने वाले शेयर्स हैं। तो आप इन पे ज़रूर नज़र रखिएगा, ये ख़ास तौर पे 5 5 शेयर जो मैंने बताए हैं इन पे। तो आने वाले 3 महीने तक आप ऐसे करना है आपने कि जो जो इसमें 25 से 30% प्रॉफिट है आपने बुक कर लेना है, और उसके बाद या तो इंतज़ार कर लें करेक्शन का, जैसे ही करेक्शन है मार्केट में 5 से 6 हज़ार की, तो तब जाके आपने दोबारा से इनको बाय कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।